धनवान बनने के ये अचूक उपाय। तुलसी के नीचे बांध दें ये चीज, पैसे गिनते गिनते थक जाओगे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज मैं धनवान बनने के जो तरीके आपको बता रहा हूँ, एक बार आप जरूर आजमाएं, आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा को बहुत ही पवित्र माना गया है। तुलसी को भगवान विष्णु प्रिया भी कहा जाता है। श्रीहरि की पूजा में तुलसी की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। बिना तुलसी के श्री विष्णु को भोग भी नहीं लगता। इस पौधे को घर में लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है। तुलसी के कई औषधीय गुण भी हैं। मान्यता है कि नियमित रूप से तुलसी की पूजा करने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। वहीं तुलसी का कुछ उपाय कर कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। आइए जानते हैं तुलसी के कुछ चमत्कारिक उपाय। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले स्नानादि से निवृत्त होकर तुलसी को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। जल अर्पित करते समय दोस्तों इस मंत्र का जाप आप अवश्य करें, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं उस स्थिति में नहीं हूँ कि इस मंत्र का मैं जाप करूँ। अपनी इच्छा को सोचकर एक पीला धागा लें। जी हाँ दोस्तों, अपनी इच्छा को, जो भी आपके मन में इच्छा है, उस इच्छा को सोचकर आप एक पीला धागा लें। इस धागे को अपनी लंबाई जितना काट लें। अब धागे को तुलसी के पौधे के पास लेकर जाएं, अपनी मनोकामना को बोल दें, साथ ही पीले धागे को 108 बार गांठ मार लें। इस धागे को तुलसी के पौधे में बांध दें। जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो इस धागे को निकालकर शुद्ध जल में विसर्जित कर दें। दोस्तों सुबह के समय तुलसी के चार पत्तियों को तोड़ लें, फिर पीतल के बर्तन में पानी डालकर भिंगो दें। 24 घंटे पानी में रहने के बाद उस पानी के छींटे पूरे घर में छिड़क दें। ध्यान रखें कि घर के मुख्य दरवाजे पर जरूर छिड़कें। इस उपाय से आपकी किस्मत चमक जाएगी, घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहेगी। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय को आप एक बार अवश्य करें। शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं। संभव हो तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल लें। इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा निश्चित मिलेगी। शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज्यादा शुद्ध और पवित्र माना जाता है। आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। अगले दिन इस दीपक को गाय को खिला दें। इस उपाय से शुभ फल के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तुलसी पर यदि आप घी का दीपक लगा रहे हैं तो उसे लगाने से पूर्व उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल दें और दिया जलाएं। इस उपाय से दरिद्रता दूर भागती है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की उपाय। अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।